जय श्री महाकाल दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये एक शिव गुफा है। नित्य शिव निरंजन देव गुफा के नाम से जानी जाती है जगह गुजरात के कच्छ जिले में लखपत तालुके में स्थित ये एक अलौकिक गुफा है। श्री निरंजनी अखाड़े के संत श्री उदयगिरी जी महाराज को स्वप्न में इस पहाड़ के दर्शन होने और शिवालय बनाने का आदेश मिलने से गुरु जी ने यह गुफा बनाने का निर्णय लिया था। गुरु जी ने अपने हाथों से एक पूरे पहाड़ को शिवालय में परिवर्तित कर दिया। पास के गांव के लोगों का कहना है कि कभी किसी ने भी गुरु जी को गुफा में काम करते नहीं पाया, कब कैसे एक पहाड़ शिवालय में बदल गया पता ही नहीं चला। गुफा में प्रवेश करते ही श्री रामेश्वर महादेव और माता पार्वती के दर्शन होते हैं। यह शिवलिंग और माता पार्वती की यह मूर्ति दोनों इस पहाड़ के अखंड पत्थर में से ही बनाई गई है, ना कि कोई बाहर से पत्थर इसमें लाया गया है। श्री रामेश्वर महादेव और माता पार्वती के दर्शन करते ही एक अलौकिक शक्ति यहाँ होने का अनुभव होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये गुफा बनाई गई है। कोई भी साधारण मनुष्य यह कल्पना भी नहीं कर सकता है कि गुरुदेव ने यह गुफा का निर्माण अपने हाथों से कैसे किया होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये गुरुदेव के द्वारा स्थापित अखंड शिव पुना है। यहाँ गुरुदेव अपना नित्य पूजा कर और रामेश्वर महादेव का भजन करते थे। यहाँ से होते हुए श्री रामेश्वर महादेव की प्रदक्षिणा करते हैं। काफी अंधेरा होने के कारण प्रदक्षिणा का मार्ग हम इस वीडियो द्वारा आपको नहीं दिखा सकते। यह प्रदक्षिणा का मार्ग काफी नीचा और अंधेरे भरा है। पूरी प्रदक्षिणा हम इस वीडियो द्वारा आपको नहीं करवा सकते। आप देख सकते हैं काफी अलौकिक जगह ये नित्य शिव निरंजन देव गुफा लखपत तालुके के कुनेरी गांव में स्थित है। ये आप देख सकते हैं, ये गुरुदेव श्री उदयनंद गिरी जी महाराज की समाधि स्थान, जो आसपास के गांव में नमोनारायण बापू के नाम से जाने जाते थे। ये है उदयनंद गिरी जी महाराज, इन्होंने ये पूरी गुफा का निर्माण केवल सामान्य औजारों जैसे फावड़ा, हथौड़ी, छेनी आदि सामान्य औजारों से ये पूरी गुफा का निर्माण किया है। जय हो बजरंग बली जी महाराज, जय श्री राम। हाल में इस गुफा के महंत श्री श्री एकाचार्य
दिगंबर अशोक भारती जी महाराज, श्री रामेश्वर महादेव की नित्य पूजा एवं अपने गुरु महाराज का भजन करते हैं।